जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त हरिपाल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिपाल यूपीपी मोटिवेशन पर। और आज हम चर्चा करेंगे जो सीएसएफ फायरमैन का, जो बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिटर्न एग्ज़ाम का, क्योंकि रिटर्न इसका कब हो जाए और हमारा जल्द से जल्द सलेक्शन हो जाए। सही बात है, जब हमारा फॉर्म पड़ जाता है, फिजिकल हो जाता है, तो रिटर्न का एग्ज़ाम, रिटर्न का जो है इंतजार रहता भी है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, तो आपका इंतजार एकदम सही है। तो हम आशा करते हैं आप लोग वीडियो में पूरी बने रहेंगे, पूरी जानकारी देंगे, और काफ़ी लोगों के यही कमेंट थे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों एक आपसे निवेदन है, जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो चर्चा करते हैं, सबसे पहले ये भर्ती देखो 2022 की है, ठीक है, सीआईएसएफ फायरमैन की, ठीक है। एग्ज़ाम इसका कब होगा ये बिल्कुल बना हुआ है, तो इसका हम अभी चर्चा करेंगे, एग्ज़ाम कब तक होगा। इससे पहले हम देख लेते हैं, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों अभी तक कोई ऐसा सीएसएफ की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया, अभी कोई नोटिस नहीं आया है, ठीक है। और इन्होंने जब उसमें नोटिफिकेशन में भी दिया था कि इसका भी कन्फर्म नहीं है, और उस टाइम पे नोटिस दे दिया जाएगा, फिर भी उम्मीद है कि ये जो है अपना जो है ऑफलाइन ही होगा, ऑफलाइन, ठीक है। तो ऑफलाइन ही इसके होने के चांस ज़्यादा हैं, तो आप जो है उम्मीद कीजिए कि ऑफलाइन ही ये होगा, ठीक है। तो सिलेबस का कुछ लोग कह रहे थे, तो सिलेबस इसका एसएससी जीडी की तरह एकदम सेम ही है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके जीएस, ठीक है। तो ये चारों पोर्शन हैं, 25 हैं, इसके भी 25, इसके भी 25, इसके भी 25, चारों के 25-25 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल एसएससी जीडी वाला ही सिलेबस है, आप जान ही रहे हैं। और कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या रहेगा और कैसे रहेगी, तो इसके लिए तो अभी एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद में वीडियो बना देंगे। और इसकी जो कट ऑफ लगेगी वो स्टेट वाइज लगेगी, क्योंकि जो बड़े राज्य हैं उनकी थोड़ी मेरिट हाई चली जाती है, क्योंकि इसकी मेरिट लगती है स्टेट के हिसाब से, ठीक है। और अब थोड़ी चर्चा करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब तक होने के चांस हैं। देखो 30 जनवरी से एससीएम के हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के सीआईएसएफ वालों के, तो इनका जो है फिजिकल शुरू हो रहा है, लमसम 10 लाख बच्चे हैं, तो इनका एक महीना जैसा फिजिकल चलेगा। तो आप मान के चलिए फरवरी लास्ट तक इनका फिजिकल चलने वाला है। इधर 10 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम लगाई है एसएससी जीडी वाला, जो कि 14 फरवरी तक चलेगा। तो हम आशा करते हैं कि इन सब के होने के बाद ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो फरवरी के तो नहीं, मार्च के फर्स्ट वीक में हम आशा करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मार्च के फर्स्ट वीक जो अभी तक उम्मीद लगाई जा रही है, तो यही है कि मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त करते रहें। और फायरमैन की सीआईएसएफ में नंबर एक की नौकरी है, बढ़िया नौकरी है। और सीआईएसएफ का अगर पैरामिलिट्री की बात करें, तो सारी ही पोस्टें सीआईएसएफ की एकदम बढ़िया हैं, और सीआईएसएफ नौकरी एकदम सेफ़ और बढ़िया नौकरी है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ में नई वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।